हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ्रिल स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे हम अम्ब्रेला स्लीव्स बनाते हैं, सेम उसी तरीके से ये वाला स्लीव्स का डिज़ाइन हम बनाएंगे, पर मैं बहुत ही सुपर इजी तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें कि आप ये डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से और कम कपड़े में भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने डबल लेयर बनाने के लिए मैं इसका बैक पार्ट का डिज़ाइन आपको दिखाती हूँ। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रही हूँ, ये डिज़ाइन देखकर आप बना सकते हैं। और इसी का मैं स्लीव्स डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दो कलर का फैब्रिक है, अगर आप चाहें तो एक ही कलर में इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दो कलर का फैब्रिक लिया है, आप इसकी दो लेयर बनाकर लगा सकते हैं अपनी स्लीव्स में, और अगर एक ही लेयर लगाना चाहें तो एक लेयर भी लगा सकते हैं। मैं इसे डबल लेयर के साथ बना रही हूँ। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है अम्ब्रेला स्लीव्स का, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप देख के उसे आसान तरीके से बना सकते हैं। तो ये बचा हुआ कपड़ा है मेरे पास, इसका मुझे स्लीव्स कटिंग करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले हम इसे साइड से क्लीन कर देते हैं फैब्रिक को। साइड से मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देती हूँ और फिर हम इसे फोल्ड करके रख लेंगे। ये देखिए, साइड से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लिया है। एक लेयर आपको इस तरीके से रखना है, और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा स्लो में ही बता रही हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए स्लीव्स कैसे कट करनी है। तो ये जो पैटर्न रहेगा ऊपर वाला, इसकी स्लीव्स, इसका जो लेंथ है वो हम कम रखेंगे, और इसके नीचे जो लेयर लगेगी उसकी लेंथ हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। लेंथ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं, जितनी भी आपको तैयार रखनी है, उसमें एक इंच मार्जिन का प्लस करके। आप चाहें तो 6 इंच भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 5 इंच भी ले सकते हैं, 4 इंच की भी रख सकते हैं। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली लेयर रहेगी उससे आपको 1.5 इंच कम ऊपर वाली लेयर को रखना है, उसी हिसाब से आप मेजरमेंट लीजिएगा। तो देखिए, ये वाली जो मेजरमेंट है नीचे की तरफ जो आएगा उसकी लेंथ 1.5 इंच बढ़ाकर रखेंगे, और जो ऊपर की तरफ आएगी स्लीव्स उसकी मेजरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा कितनी लेंथ आपको रखनी है स्लीव्स की। तो चलिए, यहाँ पर हम जो नीचे वाली लेयर कट करेंगे सबसे पहले हम उसे ही कट कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो पहले ऊपर वाली लेयर भी कटिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप नीचे 1.5 इंच बढ़ाकर उसे कटिंग कर लीजिएगा। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से आप चाहें तो न्यूज़पेपर पे भी कटिंग कर सकते हैं, बाद में आप उसे कपड़े पर रखकर भी कट कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप न्यूज़पेपर पे ही कीजिएगा सबसे पहले। तो कपड़े को देखिए, आपको इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना है। कपड़े का जो बंद भाग है वो मैंने अपनी तरफ रखा है, दो स्लीव्स की कटिंग साथ में ही कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर टोटल लेंथ रखूँगी 5 इंच, 5.5 इंच लिया है मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ। तो देखिएगा, टोटल लंबाई 5.5 इंच रख ली है मैंने यहाँ पर। इसके बाद अब हमने अपने बैक पार्ट का आर्म होल नाप लेना है। बिना आर्म होल के अगर हम स्लीव्स नापे, स्लीव्स अगर बनाते हैं तो वो छोटी बड़ी हो जाती है, तो आप यहाँ पर आर्म होल नाप लें। 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ दिया है, 1/2 इंच हमारा शोल्डर में ज्वाइंट में चला गया है। तो मेरे मेजरमेंट में यहाँ पर स्लीव्स का जो आर्म होल आ रहा है वो 8 इंच आ रहा है, इसमें 1/2 इंच में और बढ़ा देती हूँ और 8.5 इंच यहाँ पर मैं आर्म होल ले लूँगी। तो देखिए, यहाँ से हमें आर्म होल नाप लेना है। तो ये 8.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है इसे, और इसके बाद अब हम यहाँ पर इसे डाउन करेंगे 3 इंच पर। ये देखिए, 3 इंच पे आपको इसे डाउन कर देना है। कोई से भी साइज़ की अगर आप बना रहे हैं स्लीव्स तो 3 इंच पर ही इसे डाउन कीजिएगा, और यहाँ पर आपको स्लीव्स का शेप दे देना है। तो हल्के हल्के हाथों से देखिए गोलाई देते हुए आपको इस तरीके से शेप देना है, और इसके बाद 1.5 इंच आप चाहें तो इधर से 1.5 इंच आपको और बढ़ा लेना है आर्म होल तरफ से। ये देखिए, ये मैंने मार्जिन का एक्स्ट्रा ले लिया है, अगर आप चाहें तो 1.5 से 2 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। फिटिंग के समय पर एक्स्ट्रा पार्ट को आप कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देनी है, अच्छे से फिनिशिंग के साथ कटिंग कर देनी है। तो ये तो हमने कट कर लिया है नॉर्मल स्लीव्स को, तो जैसा मैंने आपको बताया है वैसे आपको कट कर लेनी है स्लीव्स। ये देखिए,
इसके बाद जो हमारी दूसरी लेयर आएगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है और इसे अब हमें कैसे कटिंग करना है ये देखिए, यहाँ से हमें इसे बराबर रखना है ऊपर। यहाँ से देखिए जो ये वाला पार्ट है हमारा, वहाँ से इसे बराबर रखना है और जो जिसमें नीचे गोलाई है वहाँ से अगर कपड़ा कम भी होगा तो चलेगा। और यहाँ पर देखिए हमें 1.5 इंच पर मार्क कर देना है और इसे इस तरीके से मिला देना है। तो देखिए इसमें आपको बस इतना चेंजेस करना है कि ये जो गोलाई वाला पार्ट है वो आपका नीचे बॉटम की तरफ आएगा और ये जो सीधा आपको दिख रहा है वो पार्ट हमारा आर्म होल्स तरफ आएगा जहाँ से हम स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए मैंने ये वाली स्लीव्स का पैटर्न यहाँ पर कटिंग कर दिया है, अब हम इसे भी कट कर लेंगे। तो जहाँ से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ यही पार्ट हमारा नीचे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर दी है, बीच में से हम इसे खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो ये दोनों स्लीव्स मेरी कटिंग हो गई हैं, अब आपको इसमें क्या चेंजेस करना है देखिएगा। तो ये स्लीव्स हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर अगर अभी भी आपको कुछ छोटा बड़ा लग रहा है तो आप उसे कटिंग करके छांट सकते हैं। तो मैं पहले इसे पिन लगा देती हूँ, फिर मैं इसे अच्छे से चेक कर लूँगी कि कहाँ से मुझे यहाँ पर कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए मुझे ये थोड़ा सा बराबर नहीं लग रहा है तो मैं अब इसे बराबर कर दूँगी। और ये जो हमारा आखिरी वाला पॉइंट होता है वहाँ से अगर आप इसे और कम करना चाहें और इसे पतला करना चाहें जहाँ पर हम फिटिंग लगाते हैं वो वाले पार्ट को, तो आप उसे और कम कर सकते हैं, इसकी छटाई कर सकते हैं अटैच करने से पहले। अब देखिए ये पार्ट हमारा नीचे आएगा गोलाई वाला और ये पार्ट हमारा ऊपर आएगा जहाँ से हम स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर आपको पीको या सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ये पार्ट हमारा ऊपर आएगा और गोलाई वाला पार्ट हमारा नीचे आएगा। तो मैं हल्का सा इसे शेप दे देती हूँ यहाँ पर, देखिए इस तरीके से स्लीव्स की कटिंग हमारी हो गई है। और जहाँ पर हम आर्म होल लगाएंगे वहाँ से हम इसे थोड़ा सा शेप दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8.5 इंच पर आपको मार्क कर लेना है और 1.5 इंच रहेगा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हल्का सा हम गोलाई देते हुए इसका शेप कट कर देंगे ताकि आपको पता रहेगा कि ये वाला पार्ट हमें ऊपर की तरफ अटैच करना है। तो इसकी कटिंग जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं सेम उसी तरीके से होगी, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो गोलाई वाला पार्ट है उसे हम नीचे रखेंगे और ये जो सीधा वाला पार्ट है वो ऊपर अटैच करने में लेंगे। सेंटर में कट लगा लेंगे। तो ये दोनों पैटर्न हमारे कटिंग हो गए हैं, साथ में ही मैंने इन्हें कट कर लिया है। अब इन्हें अलग अलग करके मैं दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से आएंगे। सेंटर में जो कट लगाया था वहाँ से सेंटर मार्क मिलाते हुए हम इसे पिन कर देंगे इस तरीके से। तो मैं इसमें नीचे की तरफ बॉटम पे एकदम बारीक वाली सिलाई लगाऊंगी। अगर आपके पास पीको मशीन होता है या आप बाहर से पीको कराना चाहें तो पीको भी करा सकते हैं, और नहीं तो आप अपनी नॉर्मल मशीन से ही इसे डबल फोल्ड करके नीचे बॉटम की तरफ सिलाई लगा लीजिएगा। तो मेरे पास एक ही वाला फूट है जिससे कि मैं आपको बता दूँ पीको नहीं होता है, बारीक सिलाई हम इससे लगा सकते हैं। तो मैं इसे बारीक सिलाई लगाने में ही यूज़ करती हूँ। डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको डबल फोल्ड करना है और जैसे हम पीको करते हैं सेम उसी तरीके से इसमें क्या होता है कि बारीक सिलाई लग जाती है यहाँ पर पतली। अगर आपके पास पीको मशीन नहीं है और आप इसे नीचे की तरफ से फोल्ड करना चाहते हैं तो नॉर्मल मशीन से ही आप इसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। तो दोनों पैटर्न जो हमारे चारों पैटर्न हैं वो मैं इसी तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी है, ये फ्रिल हमारी तैयार हो गई है। अब देखिए हमें एक के ऊपर एक रखकर इसे अटैच कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसे अटैच कर रही हूँ इस तरीके से, ये फ्रिल हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद अब हमें क्या करना है देखिए, यहाँ पर ये फ्रिल हमारी तैयार हो गई है स्लीव्स की और दोनों स्लीव्स हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे, एक के ऊपर एक रखकर इन्हें सिलाई लगा देंगे। इसके बाद मैं सेंटर से इसे अटैच करूंगी। तो सेंटर से आपको यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए स्लीव्स को अटैच करना है, कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, बराबर करते हुए अटैच कर देंगे। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ से भी अटैच कर देना है।
और अगर आप इसमें अस्तर अटैच करना चाहते हैं तो जैसे हमने बड़ी वाली स्लीव्स कट की थी उसी तरीके से आप एक लेयर अस्तर की भी कट करके इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। मैंने इसे बिना अस्तर के ही अटैच किया है, आप चाहें तो लगा सकते हैं इसके अंदर अस्तर। अब हमें फिटिंग लगानी है तो स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एक सिलाई हमने यहाँ पर सीधी इस तरीके से लगा देनी है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है और दूसरी तरफ की फिटिंग भी इसी तरीके से लगा देंगे और अपने ब्लाउज को उल्टा कर देंगे अब हम मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो स्लीव्स आपको उसी तरीके से अटैच करनी है जैसे कि हम अपनी नॉर्मल स्लीव्स करते हैं। एक सिलाई कॉर्नर की लगा दी है। अब हाई की पट्टी का छोड़ते हुए चेस्ट और वेस्ट का फोर्थ पार्ट आपको लेना है। यहाँ पर चेस्ट का ले लेंगे 9.5 इंच, 38 साइज का ये ब्लाउज है और कमर है 32 इंच, उसका फोर्थ पार्ट 8 इंच ले लिया है। स्लीव्स का आपको देखिए इस तरीके से नाप लेते हुए यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए फिटिंग लगा देनी है। दूसरी तरफ भी मैंने इसी तरीके से फिटिंग लगा ली है और ये ब्लाउज डिज़ाइन और स्लीव्स डिज़ाइन हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।